हर 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 नाम जपे रसना, अवर सम छाड़ी वचन रचना। तन तन सतगुर रविदास महाराज की जय। आप सभी को जय गुरुदेव जी, तन गुरुदेव जी। सतगुरु रविदास महाराज की जो वाणी हम पढ़ते हैं, मैं आज एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हम वीडियो के ऊपर मेन हेडिंग लिखते हैं कि आज हमने ये शब्द जो गायन किया है, हम बुक के ऊपर से देखकर ही मैं लिखती हूँ, ताकि भूले से भी, अनजाने से भी कोई गलती ना हो लिखने में, ताकि जब आप देखते हो, पढ़ते हो, तो आपको भी ये ना लगे कि ये तो गलत लिखा हुआ है। और पूरी कोशिश रहती है कि जो वाणी में लिखा है, हम देखकर वाणी को पढ़ते हैं, अपने मन से नहीं करते हैं, कि वाणी को देखकर ही पढ़ते हैं। छोटा मोटा थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है शब्दों में, बोलने में, वो इसलिए हो जाती है कि जो लिखने में जो मात्राएं होती हैं, वो बोलने में मात्राएं जो नहीं होती हैं, ज़्यादातर वो मात्राएं बोलते समय कट हो जाती हैं, नेचुरली कट हो जाती हैं, क्योंकि जब हम शब्द को उच्चारण करते हैं तो वो शब्द जो हमारे मुख से निकलते हैं, तो वो कुछ मात्राओं को कट कर देते हैं, कि पूरा जो शब्द है वो मात्राओं को नहीं लिया जाता है। तो इसलिए आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा कि हम गलत बोल रहे हैं। हाँ, हम पूरी कोशिश यही करते हैं कि हम देखकर बोल रहे हैं, तो सब शुद्ध और स्पष्ट अक्षरों को ही अपने जो मुख से बयान करें, उच्चारण करें गुरबाणी के शब्दों को। सतगुरु महाराज की कृपा बनी रहे हम पर, आप पर। आप प्लीज़ ध्यान से सुना कीजिए। मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई थोड़ा सा बीच में बोल देता है कि नहीं, जहाँ पे, फिर उस वहाँ से पता चलता है कि आप वाणी को जरूर सुनते हैं। तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी हमें पता चल सके। तो शुरू करते हैं सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी। सतनाम जी। सुख सागर सुरतर चिंता मन, काम देन वसी जाके रे, चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, नव निधि करतल ताके, हर 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 नाम जपे रसना, अवर सम छाड़ी वचन रचना, रहाउ नाना विख्यान पुराण वेद वित, ज्योतिष अक्षर माही, व्यास विचारे कहियो परमारुतु, राम नाम सरनाही, सहज समाध उपाधि रहित होई, बड़े पाग लिव लागी, कह रविदास उदास दास, मह जन्म मरण पै पागी। सतगुरु रविदास महाराज जी हमें उपदेश देते हैं कि हे प्रभु, उपदेश देते हुए कहते हैं कि प्रभु का नाम सुखों का समंदर है, इसलिए जीव को देवी देवताओं की उपासना छोड़कर कर्म कांडों, बैस वहम भरमों से मुक्त होकर उस प्रभु का सिमरन करना चाहिए। सतगुरु रविदास महाराज जी में कहते हैं कि वहमों और भरमों से बाहर निकलना है। हमें वहमों में उलझे रहेंगे तो हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ चला जाएगा। जितना हम वहम करते हैं, उससे ज़्यादा हम सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि प्रभु का सिमरन करें, उस रस का स्वाद लें, उस हमारी जीवा को उस वाणी के शब्दों का जो हमें स्वाद एक बार पड़ जाएगा, तो उस प्रभु के साथ हमारा मेल हो सकता है, जिससे हमारा और प्रभु में कोई अंतर ना रह सके। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, सुख सागर सुरतर चिंता मन, काम देन बसी जाके रे, चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, नव निधि करतल ताके। सतगुरु रविदास महाराज जी यहाँ वाणी में चार पदार्थों का जिक्र करते हैं, अष्ट महासिद्ध। अष्ट महासिद्ध भाव 18 सिद्धियाँ, नवनीति 9 नीतियाँ सतगुरु महाराज जी ने इसमें शब्द में बयान किया हुआ है। तो आगे इसका पढ़ते हैं कि सतगुरु रविदास महाराज जी कहते कि हे संसार के लोगों, सुखों के समंदर का प्रभु का सिमरन करो, जिसके अधीन समंदर कल्प सुरतर कल्प वृक्ष, मन इच्छुक फल देने वाली मणि चिंतामणि, मनोकामना पूरी करने वाली काम देनु गाय, और चार पदार्थ काम अर्थ धर्म मोक्ष, ये चार पदार्थ सतगुरु महाराज जी ने
शब्द दिए हैं क्या, फिर से मैं बयान करूंगी, काम अर्थ धर्म मोक्ष 18 बड़ी सिद्धियां और 9 खजाने उस प्रभु के हाथ की हथेली पर हैं। जो जीव उस प्रभु का सिमरन करता है उसके वश में आ जाता है। ये सब कुछ सतगुरु रविदास महाराज जी हमें वाणी में समझाते हैं कि अच्छे कर्मों का जो फल है वो हमें मिलेगा। काम देनु गाय का नाम लिया है, चिंता मन, हमें चिंता से मुक्त रहना है, उस प्रभु की उपासना करनी है जो हमारी चिंता हरता है, जो हमारी चिंताओं को दूर करता है। हरि नाम का नाम जपना है, सतगुरु महाराज जी बार बार वाणी में यही समझाते हैं हमें, हर 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 नाम जपे रसना अवर सम छाड़ी, अवर सम छाड़ी वचन रचना। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, हे जीव ऐसे सुखों के समुद्र प्रभु का हर हर नाम रसना से क्यों नहीं जपता, तो संसार की झूठी रचनाओं के वचनों को रसना से त्याग कर प्रभु का सिमरन कर, ऐसा रस स्वाद आए तेरी जुबान में जो हरि नाम के सिमरन से हमारी जीवा पे ऐसा उस नाम का जो रस है उस नाम को हम चख सकें, उसका स्वाद अगर अपनी जुबान पे ले सकें, तो हमें बाकी के सारे जो पदार्थ हैं झूठे विकार हैं वो हमें भाएंगे नहीं हमारे मन को। तो सच्ची निष्ठा से उस प्रभु की भक्ति में अगर रहेंगे तो हरि नाम का सिमरन करते रहें। आगे सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, नाना ख्यान पुराण वेद विद 34 अक्षर माही, व्यास विचारु कहो परमारथ राम नाम सरनाही। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, अनेकों प्रकार पुराण और वेदों की विधियां सभी 34 अक्षरों में लिखे गए हैं। महर्षि वेद व्यास जी ने अनेकों प्रकार के प्रसंग और वेदों की विधियां का विचार को उनको गहराई से अध्ययन कर समझाया है, फिर भी हम इस उलझनों में पड़े हैं। ये परम तत्व कहा है कि राम नाम के मूल्य के समान मूल्य रखने वाली दुनिया की कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं है। यहाँ महर्षि वेद व्यास जी हमें कहते हैं कि उस परमात्मा के नाम से बड़ा और कोई भी पदार्थ नहीं है, कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम ये कह सके कि ये प्रभु से ऊपर है। तो महर्षि वेद व्यास जी भी हमें ये समझाते हैं कि उस हरि का नाम जपना है, उस प्रभु के चरणों में रहना है, उनका लड़ पकड़ना है, ताकि हमें आगे जाकर हमारे जीवन में कोई हमें मुश्किल ना आए। जब हम इस देह को त्यागें, शरीर को त्यागें, तो हमें वहम भरमों से मुक्त होकर इस दुनिया से जाना है। कोई अपने साथ ऐसा महसूस नहीं करना कि हमें जम्मू की मार पड़ेगी आगे। हरि नाम का सिमरन किया होगा तो हमें किसी जम्मू का डर नहीं रहेगा। सहज समाध उपाद रहित होई, बड़े पाग लिव लागी, कह रविदास उदास दास मत जन्म मरण पै पागी। सतगुरु रविदास महाराज जी हमें आगे समझाते हैं कि प्रभु के नाम में सहज समाध विकारों से मुक्त होकर लगती है अब और बड़े भाग से सहज समाध अवस्था में पहुँच कर जीव की प्रभु से लगन लगती है, फिर उस प्रभु के दास की मति संसार में से उपराम हो जाती है और उसका मन जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाता है। सतगुरु रविदास महाराज जी हमें यही कहते हैं कि सच्चे मन से हरि के नाम की समाधि अगर हम लगाएंगे, सहज अपने मन को ऐसा मजबूत बनाना है हमने
कि जब हम आंखें बंद करके भी उस प्रभु का नाम लें तो जो हमारे आंखों के आगे झूठे विकार आते हैं उनसे लड़कर हमने उस प्रभु का नाम जपना है, उस प्रभु का नाम सिमरन करना है, ताकि हमें झूठे विकारों के उलझनों से दूर रह सके हम। सतगुरु महाराज जी हमें झूठे विकारों से, झूठे पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरणा देते हैं। परम पिता परमात्मा में लीन हो सकते हैं हम अगर हम झूठे विकारों को छोड़ सकते हैं। फिर हम उस प्रभु के साथ, जैसे हम सतगुरु रविदास महाराज जी के आगे हमारी अर्जाई है, विनती है उस परमात्मा के आगे कि हम अगर सच्ची निष्ठा से भक्ति करेंगे तो जैसे सतगुरु महाराज जी प्रभु के लिए कहते हैं कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, ये कनक टेक जल तरंग जैसा। तो जैसे समंदर में एक जल की जो उछाल आती है तो वो उछल कर फिर से समंदर में ही समा जाती है, तो वैसे ही हमें भी सतगुरु रविदास महाराज जी के आगे ये अर्ज है कि हमें भी ऐसा बनना है कि हमें और सतगुरु महाराज जी में कोई अंतर ऐसा ना रहे कि जो हमें सतगुरु महाराज से दूर कर सके। हमें ऐसी आस्था ऐसी भावना अपनी बनानी है सतगुरु महाराज जी के चरणों में, ताकि हमें उनके जो चरणों में सुख प्राप्त हो सके। जो अंतिम जो हमारा इस देह को छोड़ने के बाद जब हम जाएं तो उस प्रभु के चरणों में हम रह सकें। तो आज की वाणी का शब्द हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी।